यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, इन क्वेश्चंस के मैं आंसर बताता चलता हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा। इन क्वेश्चंस को आप क्रॉस चेक भी बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे ये पूछा है क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ऑब्वियसली ये ए यूनियन बी ही होगा, देन दिस इज राइट आंसर। और अगर ये देखेंगे आप, इसको वेन डायग्राम से करेंगे तो समझ जाएंगे। तो मैं फाइनली आपको एक आंसर की भी देने वाला हूं, इसलिए ये इसका आंसर ये रॉन्ग है, तो इसका करेक्ट होगा ओनली वन राइट। फिर बात करते हैं, एक और क्वेश्चन दिया है, आप ध्यान रखिएगा, इस तरह का है, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ए बी सी बी अ सबसेट ऑफ एक्स, कंसीडर द, तीन इसमें दिए हुए, ए सबसेट ऑफ सी करके, दूसरा भी दिया ए इंटरसेक्शन बी, और थर्ड दिया ए यूनियन बी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2 एंड 3। इसी तरह से एक रिलेशन का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूं, एक्स इक्वल टू दिया है 1, 2, 3, 4 राइट, एंड आर इज अ रिलेशन एक्स, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, इसका आंसर है ए, आर इज रिफ्लेक्टिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव राइट। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, इसका ए आंसर था, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन अ सेट एन नेचुरल नंबर एक्स आर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसका आंसर है सी, आर इज रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसका आंसर है सी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बचे हुए हैं वो बताता चलता हूं। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसलिए मैं डाउटफुल हूं, तो उनको छोड़ के बाकी पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस किया, फिर आपके साथ सारे आंसर्स भी मैं बताता हूं चलूंगा आपको क्या क्या आंसर्स आए हुए हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं, देखिए क्या है, और इन सारे क्वेश्चन का लिंक आपको दिया हुआ है, आप उनको जरूर देख लीजिए। कॉमा 11 μ आपसे बोला, देन द पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट होता है 2n, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, जो कि है 5 λ λ, μ एंड लेमडा ब्रैकेट लेमडा कॉमा म्यू के ब्रैकेट, यानी बी बॉम्बे इज अ राइट आंसर। आप सारे सबसेट बनाएंगे तो इसका आंसर आएगा बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसके अलावा जो दो चार क्वेश्चन थे काफी टाइम कंज्यूमिंग थे, इनको आप अगर बाद में करते तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होता। जैसे एक क्वेश्चन था, अगर आप ध्यान दें, आप मैं पढ़ देता हूं, अ गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल इज टू बी कास्ट इन टू हाफ सिलेंडर, ये लंबा क्वेश्चन है इसके सोल्यूशन, एंड रेक्टेंगल बेस सेमी सर्कुलर एंड, इसका करेक्ट आंसर है पाई अपॉन पाई प्लस टू। इसके अलावा अगर हम देखें, एक और क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, जो बचे हुए हैं, ये थोड़े से दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउटफुल हैं, जैसे ए एंड बी टू सेट सच डेट ए बार एंड बी बार, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, लेट कोरिलेशन कोफिशियंट, इनके दो तीन क्वेश्चन हैं जिनके मैं आंसर्स आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। और एक क्वेश्चन ये तो खैर इजीली कर लेंगे आप, इफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 20 आर मल्टीप्लाई बाय 3, देन व्हाट इज द वेरियंस, तो वेरियंस आपको निकालना है, तो वेरियंस होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो आपको करना यह है इसमें कि 3 का बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बोला है मल्टीप्लाई बाय 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 3 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर सबसे पहले सम ऑफ 20 नंबर्स करेंगे, तो 20 इंटू 20 एन स्क्वायर है 21 इंटू 20 एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 से ये निकालेंगे, सिग्मा एक्स निकालेंगे एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2 से, और बाद में उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको आंसर मिलेगा 299.25 राइट। ये थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे, तो ऐसे में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बाद में कर सकते थे। ऐसे ही हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा वो डाउटफुल वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर पे माइनस प्लस की मिस्टेक है, इसलिए अभी मैं उस क्वेश्चन को पूरा देखने के बाद बताऊंगा। बाकी आपके साथ पूरा पेपर डिस्कस करा है मैंने, आप पूरे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि पेपर में आप 70-80 तक भी अटेम्प्ट कर सकते थे, अगर आपकी राइट टेक्निक्स है तो राइट।